बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इस टॉपिक में डिफरेंट आइसोटोप्स की एग्जाम्पल्स है और इनके यूजेस मैंशन किए गए हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, तो उससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें किसी भी आइसोटोप की इंपॉर्टेंस के उसका यूज़ पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट्स आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। फर्स्ट, इसका यूज़ बताया गया है इन रेडियोथेरेपी। थेरेपी कहते हैं हम ट्रीटमेंट को, रेडियोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। जैसे कि कैंसर के केस में जो ट्रीटमेंट की जाती है उसमें रेडियोथेरेपी भी ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो आइसोटोप्स जिनमें से रेडिएशन एमिट होती हैं, और ऐसे आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है जिनमें से रेडिएशन एमिट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल P32, पी फॉस्फोरस का सिंबल है और 32 इस आइसोटोप का एटॉमिक मास है, जिसे P32 कहते हैं। SR एलिमेंट है स्ट्रॉन्शियम, उसका ये सिंबल है और 90s का एटॉमिक मास है। P32 और स्ट्रॉन्शियम 90, ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं ये स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनसे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनको बीटा रेडिएशंस कहा जाता है, और ये लेस पेनिट्रेटिंग होती है। पेनिट्रेटिंग मीन्स कि कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ में से पास कर जाती है, क्योंकि इनमें से जो रेडिएशन एमिट होती हैं बीटा रेडिएशंस, ये हमारी बॉडी के बिल्कुल अंदर तक नहीं जाती, सो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं, इसलिए स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कोबाल्ट 60, कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ, ये कोबाल्ट का सिंबल है, 60 इसका मास है। कोबाल्ट 60 कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और इससे जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं, जो कि विद इन द बॉडी भी इफेक्टिव होती हैं, सो ये भी कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है आइसोटोप्स की इन एज अ ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन डायग्नोसिस। जब किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करना बॉडी के अंदर, उसको डायग्नोसिस कहते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन, इसको ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसर्स मीन्स कि कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर ट्रेस करनी हो तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, या फिर बॉडी में कहीं भी किसी बॉडी के पार्ट में कोई ट्यूमर है उसको भी डायग्नोज किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131, आयोडीन का आइसोटोप है ये, 131 उसका मास है। इसको यूज़ करते हैं टू डायग्नोज द गोइटर इन द थायरॉयड ग्लैंड, नेक रीजन में थायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें गोइटर फॉर्मेशन हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टेक्नीशियम, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ, बोन की ग्रोथ को चेक करने के लिए कि प्रॉपर बोन ग्रोथ हो रही है कि नहीं, इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस भी हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन के अंदर से कोई फॉसिल अगर हमें मिल गया है तो उसकी एज हमने फाइंड आउट करनी है। फॉसिल्स कहते हैं डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, या कोई स्टोन्स, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हज़ारों साल पुरानी होती है और अर्थ क्रस्ट के अंदर बरिड होती है, तो उसकी एज अगर हमने आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, इसका मतलब है एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें से रेडिएशन एमिट होती हैं और इनकी हाफ लाइफ होती है, सो इनकी हाफ लाइफ के बेसिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट की एज आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। सो इस ऑब्जेक्ट की एज कैसे डिटरमाइन करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के थ्रू? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कोई स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अगर प्रेजेंट है तो उस ऑब्जेक्ट में देखा जाता है कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी हाफ लाइफ को यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट की एज आइडेंटिफाई की जाती है। अब हाफ लाइफ किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइसोटोप है, सपोज कर लें ए आइसोटोप है और इसकी हाफ लाइफ हम खुद से सपोज कर लेते हैं 100 ईयर्स है। फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ इसकी 100 ईयर्स है। हर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अपनी अपनी स्पेसिफिक हाफ लाइफ्स होती हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं ले रहे, कोई खुद से सपोज कर रहे हैं एक आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप ए और उसकी हाफ लाइफ हम सपोज कर लें कि 100 ईयर्स है। अब हाफ लाइफ किसे कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं जब कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाफ उसका रह जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये आइसोटोप हमारे पास स्टार्ट में 100% इसकी अमाउंट थी, तो जो इसकी हाफ लाइफ है 100 ईयर्स, 100 साल गुजरने के बाद
जितना ये इनिशियली प्रेजेंट था अब उसका 50% बच गया है, मीन्स कि 50% इसका ख़त्म हो चुका है। देन मज़ीद जब 100 ईयर्स गुजरेंगे तो इस 50 का भी हाफ रह जाएगा, 50 का हाफ मीन्स 25% रह जाएगा। फिर मज़ीद जब 100 ईयर्स जो कि इसकी हाफ लाइफ है वो गुजरेंगे तो 25 का भी हाफ रह जाएगा जो कि 12.5, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने कोई भी फॉसिल है वो हमें मिल गया ज़मीन के अंदर से, हमने उसको डिग आउट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हमने एज डिटरमाइन करनी है, और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आइसोटोप उसमें प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस आइसोटोप की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 12.5% अमाउंट इसमें प्रेजेंट है इस आइसोटोप की, तो इसका मतलब ये है कि 12.5% होते हुए उसको 3 हाफ लाइफ उसकी गुजर चुकी हैं, तब जाके उसका 12.5% बच गया है। फिर हम इन हाफ लाइफ को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वो ऑब्जेक्ट था उस वो 300 ईयर्स ओल्ड ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से कार्बन-14 जो आइसोटोप है कार्बन का, उसको भी यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, और इसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग का नाम इसको दिया जाता है। एज डिटरमिनेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स फॉसिल्स मीन्स के ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें कार्बन आइसोटोप अगर प्रेजेंट है, सो बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन-14 इन देम उसकी एज डिटरमाइन की जाती है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी, कार्बन-14 की अमाउंट इसमें देखी जाती है उस ऑब्जेक्ट में कि कितनी बच चुकी है, फिर उस कार्बन-14 की भी अपनी हाफ लाइफ है, उसकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली फिर देखा जाता है कि कितने साल गुजर चुके हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उतने साल पुरानी होगी, उतने उसका जो उसकी एज है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरह से। सो ये हाफ लाइफ वाला जो पॉइंट है ये इसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं मेंशन, जस्ट आपको ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दी है। बाकी रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है इन केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। केमिकल रिएक्शंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। इन केमिकल रिएक्शंस टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड, और फूड क्या है उनका, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेजेंट होता है, उस कार्बन की जगह कार्बन-14 लेबल कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, और फिर वो सब स्टेप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं जिन स्टेप्स से गुजर के कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। तो वो पूरा पाथवे जो है वो इससे डिटेक्ट किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की इन पावर जनरेशन, मीन्स के पावर प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस करवाया जाता है। फिजन कहते हैं वो रिएक्शंस जिनमें कोई भी हैवी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यूरेनियम एलिमेंट, उसका न्यूक्लियस उसकी ब्रेक डाउन करवाई जाती है और वो लाइट एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, नए एलिमेंट्स बनते हैं उस केमिकल रिएक्शन में, और इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सो इन रिएक्शंस को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें हैवी एलिमेंट का न्यूक्लियस ब्रेक होता है और उसमें लाइट एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करवाए जाते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करके देन पावर जनरेट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ ऑफ यूरेनियम-235 यूरेनियम आइसोटोप है ये, इसका मास 235 है। इस पे न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है इस पे, और इसके न्यूक्लियस जो उसकी ब्रेक डाउन होती है, और इससे हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। 139 बेरियम का मास है और 56 इसका एटॉमिक नंबर है, और क्रिप्टॉन का मास 94 और 36 इसका एटॉमिक नंबर है। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को देन यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इंटू स्टीम। ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हीट एनर्जी होती है, जिसको यूज़ करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, भाप में कन्वर्ट किया जाता है, और वो स्टीम फिर यूज़ की जाती है टर्बाइंस रन करने के लिए, टर्बाइंस चलाने के लिए, और टर्बाइंस यूज़ करते हैं जनरेटर्स को रन करने के लिए, एंड जनरेटर्स जब रन होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो ये
इम्पॉर्टेंस है इन पावर जनरेशन. नाउ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 43, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9. द क्वेश्चन इज गिव द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन. आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन बतानी है रेडियोथेरेपी की में और मेडिसिन की फील्ड में. सो इसका आंसर पेज नंबर 40 पे है. फर्स्ट आप हेडिंग देंगे रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. इसी की आगे से दो सब हेडिंग्स हैं. फर्स्ट होगी स्किन कैंसर की आपने हेडिंग देनी है और इसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखनी है एक्सप्लेनेशन इसकी. देन आपने सेकेंड हेडिंग देनी है कोबाल्ट 60 CO60 और उसकी नेक्स्ट लाइन से आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक. सेकेंड एक ये मेन हेडिंग थी उसकी ये दो सब हेडिंग थी. नाउ सेकेंड मेन हेडिंग है ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन. इसके आगे से तीन सब हेडिंग्स हैं. फर्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये हेडिंग है और उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डिटेल लिखनी है. सेकेंड हेडिंग है आयोडीन 131 उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है. थर्ड हेडिंग है टेक्नीशियम उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है. तो ये टू पैराग्राफ्स जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है. आपने आंसर इस तरह से अटेम्प्ट करना है. रेडियोथेरेपी की हेडिंग है मेन, इसकी दो सब हेडिंग्स है स्किन कैंसर और कोबाल्ट 60. दोनों की आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है बुक से, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी एक्सप्लेनेशन. देन सेकंड हेडिंग है ट्रेसेस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन. इसकी फर्स्ट हेडिंग है रेडियो एक्टिव आइसोटोप. नेक्स्ट लाइन से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है बुक से. सेकंड हेडिंग है आयोडीन 131. थर्ड हेडिंग है टेक्नीशियम. तो आपने इस तरह से ये मैंने आपको हेडिंग्स दी है, इनकी डिटेल आपने बुक से लिखनी है. सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, दैट्स ऑन पेज नंबर 40. राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.